ओके सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज की जो हमारी एडिटिंग किस टॉपिक पर और कैसे होने वाली है आपको मालूम है, मैं फिर भी आप लोग को बता देता हूँ कि आज किस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ यूनिक टाइप की एडिटिंग होने वाली है। बोले तो कुछ इस टाइप की एडिटिंग होने वाली है जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो फिर बिना आपका टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। सो चलो यार चलते हैं वीडियो की तरफ। सो ये रहा बैकग्राउंड यार, हम लोग सिंपली अपने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे पिक्सेट एप्लीकेशन के अंदर। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी यूज करूँगा यार बैकग्राउंड पीएनजी, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाकर आराम से यार डाउनलोड कर लेना। पहले आप ये देख लो कि उस बैकग्राउंड को एंड पीएनजी को यूज कहाँ करना और कैसे करना। सो आप पहले वो देख लो एंड अपने बैकग्राउंड को पिक्सेट एप्लीकेशन के अंदर लाने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग चले जाएंगे क्रॉप के अंदर, ठीक है। ओ सॉरी क्रॉप बोल रहा हूँ, टूल्स में चले जाना। ओके एंड टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा क्रॉप। ओके सो हम लोग क्रॉप में चले जाएंगे एंड यार क्रॉप में जाने के बाद एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकॉन बना दिखेगा एंड पोर्ट्रेट लिखा हुआ दिखेगा ना। सो हम लोग सिंपली उस पर क्लिक करेंगे एंड उसको नीचे के साइड से रख लेना। तो यार ये साइज पता हमारा इंस्टाग्राम पे पोस्ट होने वाला साइज ये बन जाता हमारा बैकग्राउंड का। सो कुछ तरीके से यार मैक कर लेना। ओके एंड उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे यार अपने सेकेंड स्टेप की तरह। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये है गाइज, मैं बताता हूँ कि अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का जो मतलब जो आप पोस्ट किए हो उसका आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके जैसा कि मैं लिया हूँ यार रियाज अली का फोटो का पोस्ट जो था उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, जैसा कि अभी आप लोग का स्क्रीन पे दिखेगा। सो कुछ स्टेप से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको करना सिंपल ये है कि जो बीच का जहाँ पर आपका फोटो दिख रहा है आपका उसे इरेज कर लेना। कुछ ये वाले आइकॉन आपको जो दिख रहा ना यार, तो इस पर हम लोग को आना है एंड यहाँ पे आने के बाद इसका हार्डनेस को पूरा 100 कर लेना। ओके एंड उसके बाद कुछ ही तरीके से यहाँ पे से इरेज कर देना है जो बीच में पोस्ट है फोटो है उसे कुछ तरीके से सिंपली हम लोग इरेज कर लेंगे जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सेम स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐड करना अपने इस स्क्रीन को एंड उस स्क्रीनशॉट को एंड यहाँ पे से अपने मॉडल को इरेज कर देना। ओके अपने फोटो को एंड उसके बाद यार ऊपर में जो मतलब बैटरी उटरी का जो ऑप्शन दिखा था नोटिफिकेशन वाला, तो उसे हम लोग कुछ तरीके से क्रॉप कर लेंगे एंड परफेक्ट एडजस्ट कर देने के बाद बैकग्राउंड पे सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद एंड गाइस उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यार हम लोग अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ओके सो यार सॉरी इसके लिए पता किस लिए आप लोग सोच रहे सॉरी किस लिए बोल रहा, तो इसलिए कि मैंने स्क्रीन पर सेकंड स्टेप लिख दिया तो यार ये मिस्टेक हो गया, तो आप लोग इग्नोर करना। ओके एंड ये थर्ड स्टेप है ना कि सेकंड स्टेप। सो हम लोग यार हम लोग बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। तो हम लोग हमारा थर्ड स्टेप ये है कि हम लोग ऐड फोटो की तरफ चले जाएंगे एंड अपने मॉडल को लाएंगे जो कि मैं पहले से कट आउट करके रखा हूँ यार, आप लोग का टाइम बचेगा इसलिए। और यार ये मेन स्टेप है तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे गौर से देखना जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, सेम अपने आप का अपने फोटो को लाने के बाद कुछ ही तरीके से कर लेना। सो यार अपने मॉडल को जो लाओगे जो कट आउट करके रखोगे आप, तो उसके बाद कुछ ही तरीके से यार इक्वल कर लेना है जो पोस्ट वाला जो फ्रेम है ना, तो उसके बराबर में एंड अपने मॉडल को नीचे की तरफ लाना है। और जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जैसे इरेज करूँगा सेम अपने फोटो को लाने के बाद कुछ उसी तरीके से यार इरेज करना, ठीक है। मैं बता ना पाऊँगा लेकिन दिखा जरूर पाऊँगा, ठीक है। तो कुछ ही तरीके से ही इरेज कर लेना एंड ओपेसिटी को कम करने के बाद यहाँ पे कुछ ये वाला हार्डनेस वुडनेस को सेट कर लेना है एंड ये वाले आइकॉन पे चले जाना जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गया था एंड इसको बराबर से इरेज कर लेना ना। एंड उसके बाद ये हो जाने के बाद गैस पता आपको करना क्या है, फिर उसके बाद आपको जो ब्रश वाला आइकॉन दिख रहा ना साइड में वहाँ पर चला जाना है एंड अपने आप को ड्रॉ कर लेना है। आप गौर से देखो सो गाइस फाइनली आप लोग ने देखा कि मैंने किस तरीके से इरेज किया है एंड ड्रॉ किया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आप अपने फोटो को भी कुछ इस तरीके से कर लेना एंड उसके बाद सिंपली ओपेसिटी फुल करके यार डन कर देना है। एंड गाइस जो हमारा पिक्सआर्ट का जो स्टेप था वो थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप की तरफ, यहाँ पे फिर से सॉरी क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेप लिखा गया है। तो आप लोग जान रहे हो कि जब मैंने वहाँ पे सेकंड लिखा तो मैंने सोचा इसके बाद अब थर्ड आएगा, तो थर्ड मैंने लिख दिया, तो उसकी यार सॉरी। और ये फोर्थ स्टेप है ना कि थर्ड स्टेप। तो हम लोग अपने फोर्थ स्टेप कम्प्लीट करने के लिए हम लोग चले जाएंगे ड्रॉ के अंदर एंड ड्रॉ के अंदर जाने के बाद जहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा पहले यहाँ पे आपको व्हाइट कलर ले लेना। ओके व्हाइट कलर ले लेने हैं आपको यहाँ पे एंड उसके बाद जहाँ पे मैं ड्रॉ किया वहाँ पे आप लोग को चले जाना एंड यहाँ पे जो ये फोर एंगल जो बना हुआ ना उसको आप लोग को चूज कर लेना। ओके ये वाले बॉक्स को एंड ये वाले बॉक्स को चूज कर लेने के बाद इसको नीचे की तरफ जब स्लाइड करोगे साइज एंड ओपेसिटी के नीचे तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन देगा, तो आपको फिल कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस ये जो आपका पोस्ट का साइड वाला जो है ना वहाँ पे कुछ तरीके से आपको लाइनअप करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो, ठीक है।
तो आप भी अपने फोटो को जब एडिटिंग करोगे तो उसके बाद आप अपना फोर्थ स्टेप कुछ इस तरीके से यार बना लेना, लाइनअप कर लेना अच्छे तरीके से यार, ना कि ज़्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। तो आप पे बिल्कुल ही आराम से करना और अच्छे तरीके से करना, और अब आपके बाद दोनों तरफ का कुछ इसी तरीके से बना लेना, ठीक है। सो मैं कर लेता हूँ यार, आप ही लोग का टाइम बचेगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यार हमने लाइनअप कर लिया यार पोस्ट के जो फ्रेम था उसके साइड में, ओके। एंड ये लाइनअप कर लेने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर देना। एंड गाइस, डन कर देने के बाद यार उसके बाद हम लोग करना क्या, फिर से यार ड्रॉ टूल में आ जाना है। एंड ड्रॉ टूल में आने के बाद फिर से यहाँ पे आपको कलर ब्लैक ही रखना, ओके। एंड उसके बाद साइज एंड ओपेसिटी को यहाँ पे सेट कर लेना है ब्रश का अपना। एंड उसके बाद सिंपली कुछ इस तरीके से आपको अपने शैडो बना लेना, आपका अपना शैडो बना लेना, ओके। यार रियल लगना चाहिए, ना कि फेक लगे। तो कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से आराम से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, और कितना बार बोलूँगा। सो बहुत ही अटकता हूँ वीडियो बनाने टाइम ही, पता नहीं क्यों यार, उसके लिए सॉरी। सो कुछ ही तरीके से यार कर लेना है। और एंड उसके बाद हम लोग ऐड फोटो की तरफ चले जाएंगे। एंड ऐड फोटो की तरफ जाने के बाद हम लोग यहाँ से एक PNG को ऐड करना, ठीक है। उस PNG को हम लोग डाउनलोड में है, तो वो PNG किधर है सो देख लेते हैं हम लोग। एंड उस PNG को हम लोग सिंपली ऐड करेंगे, तो वो PNG भाई साहब किधर हो, सो ये रहा। एंड अपने इस PNG को ऐड करने के बाद इसकी ब्लेंड मोड को हम लोग स्क्रीन कर लेंगे, ओके। सो एंड स्क्रीन करने के बाद इस साइड का जो लाइनअप किया हुआ है वहाँ पे ऊपर साइड में लगा देना है यार, आप लोग का साइड परफेक्ट यही जगह आएगा। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट नाम लगा देना है अपने उस PNG को। एंड गाइस, जो हमारा फोटो एडिटिंग का जो काम था वो सारा स्टेप कंप्लीट हो गया, एंड फाइनली हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया। गाइस, हम लोग अपने फोटो को यार HD में सेव करने के लिए ड्रॉ टूल में चले जाएंगे। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद, ओ भाई क्या हो रहा, ओई ओई सो ड्रॉ टूल में जाने के बाद यार 3 डॉट पे क्लिक करके हम लोग अपने फोटो को HD में सेव कर लेना यार, एकदम HD में, ओके। एंड उसके बाद गाइस कुछ करना तो बचा नहीं। सो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो बस बिना लाइक के कहीं भी मत जाना, और अगर चैनल पे पहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, मैं आप लोग एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये रही ID यार, जरूर से फॉलो कर लेना यार। बाय यार, लव यू, टेक केयर।